लेट नाइट के अंदर जो आप अपने शरीर को जितनी तकलीफ पहुंचाते हो उससे ज्यादा तकलीफ कभी नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6:30, योर लाइफ विल चेंज, यू विल नॉट रिक्वायर मेनी डॉक्टर्स इन योर लाइफ। दोस्तों, क्या आप भी 7 बजे के बाद ही खाना खाते हैं? दोस्तों, आयुर्वेद की माने तो शाम को 7 बजे के बाद खाया वो खाना ना ही तो हमें ढंग से डाइजेस्ट होता है, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वह हमें काफ़ी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। पर दोस्तों, आज के इस मॉडर्न लाइफ में क्या पॉसिबल है कि आप 7 बजे के पहले ही खाना खा लें पर 7 बजे तक खाना अपना ख़त्म कर लें? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऑफिस वर्कर्स और ऐसे ही काम करने वाले होते हैं जो लेट नाइट ही आते हैं और 7 बजे के पहले खाना नहीं खा पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सभी लोग सोचते हैं कि मैं एक टाइम का खाना तो अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ कर खाऊँ, पर ऐसा पॉसिबल है क्या? जी हाँ दोस्तों, यह पॉसिबल भी, और आपको घर परिवार के साथ बैठकर खाना खाना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से 7 बजे के बाद भी या फिर लेट नाइट भी खाना खाएंगे तब भी वह अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और इसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और दोस्तों आपके द्वारा खाया हुआ खाना आपके शरीर में लगेगा भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम प्रवीण शर्मा, अ मेडिकल स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू मेड बायोज्ञान। आयुर्वेद के अनुसार जब भी सनराइज होता है और अपने पीक पर पहुंचता है जब तक हमारा डाइजेस्टिव फायर्स बढ़ती जाती है और इंक्रीज होती है। और दोस्तों, एक बार पीक पर पहुंचने के बाद जब भी सनसेट होता है तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी कम होने लगती है। और दोस्तों, शाम 7 बजे के बाद हमारी जठरागनी और डाइजेस्टिव फायर्स कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम जब भी 7 बजे के बाद कुछ भी खाते हैं तो वह हमारे पेट में पचता नहीं है। और दोस्तों, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमारे पेट में नहीं पचेगी वो हमारे पेट में सड़ेगी, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और भी न जाने कितनी सारी पेट से जुड़ी समस्याएं। और दोस्तों, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपका पूरा शरीर खराब होता है। पर दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ जो कि आप रात में 2 बजे भी खाना खाएंगे, 3 बजे भी खाना खाएंगे तो वह भी आपको पचने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वह टिप्स जो आपको रात में खाया हुआ खाना भी आसानी से पचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। नंबर 1 इज अदरक और सेंधा नमक। दोस्तों, जब भी डाइजेस्टिव फायर कम होती है तो आपका खाना नहीं पचता है। दोस्तों, आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा अदरक और एक चुटकी सेंधा नमक ले लीजिए और उसको खा लीजिए। दोस्तों, अदरक और सेंधा नमक आपकी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज कर देता है और आपके गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि आप जो भी खाना खाते हैं भाई अच्छे से पच जाता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, जब भी आप लेट नाइट खाना खाएं तो आप एक चुटकी सेंधा नमक और अदरक जरूर खाएं, जिससे कि आपके डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाएंगे और आपका खाना आसानी से पच जाएगा। तो दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए। सेकंड इज राइट नॉस्ट्रल ब्रीथ। दोस्तों, यह एक योगासन है जो कि खाने के आपको 3-4 मिनट पहले करना है और इसको आपको 30 सेकंड तक करना है। इसके लिए आपको दोस्तों राइट नोज से सांस को खींचना है और लेफ्ट नोज से सांस को निकालना है। दोस्तों, ऐसा है आपको 30 सेकंड तक करना है, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी और आप जो भी खाएंगे वह अच्छे से डाइजेस्ट होगा। दोस्तों, ऊपर बताई गई दोनों टिप्स को भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप इनमें से किसी एक टिप को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपको कुछ ही दिन में रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। 3rd इज दोस्तों, आप टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब बंद कर रख दीजिए, क्योंकि जब ये सब चीजें चलती हैं तो आप खाने पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और इन सब चीजों पर आपका ध्यान लगा रहता है, जिससे कि आप जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं और आप खाने को अच्छे से चबाकर नहीं खा पाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो इन सब चीजों को आप बंद कर दीजिए और आप अपने खाने पर कंसंट्रेट कीजिए और उसको फील लेकर खाइए। दोस्तों, यह आसान है पर बहुत कारगर सिद्ध होगा अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं और आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो गई है या फिर आपको अपचन लगती है। तो दोस्तों, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। 4th इज वज्रासन। दोस्तों, आप खाने के तुरंत बाद कभी भी डायरेक्ट सोने के लिए मत जाइए या फिर बेड पर लेटने मत जाइए। इसके पहले आपको 5 से लेकर 10 मिनट वज्रासन लगा ही लेना चाहिए और इसके बाद आपको कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, जिससे कि आपका खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाता है और वह सेटल हो जाता है, जिसके बाद अगर आप सोएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो दोस्तों, आप जब भी खाना खाते हैं उसके आप 5-10 मिनट के लिए वज्रासन जरूर लगाइए और उसके बाद वॉकिंग जरूर करिए। दोस्तों, इसके बाद लास्ट में आता है सोना। दोस्तों, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर सोइए, जिससे कि आपके गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से रिलीज होते हैं और आपका स्टमक भी नीचे की साइड रहता है, जिससे कि आपके गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से रिलीज होते हैं और अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट होता है। दोस्तों, यही थी 5 स्टेप्स जो कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप 7 बजे के बाद खाना खाते हैं तो। और दोस्तों, अगर आप लेट नाइट रेगुलर खाना खाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप ये सब टिप्स यूज नहीं करते हैं तो। और दोस्तों, मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप 7 बजे के पहले खाना खा लें तो ही अच्छा है, अगर आप खा सकते हैं तो। पर दोस्तों, अगर आपकी मजबूरी है तो आप इन सब स्टेप्स को फॉलो कर ही खाना खाएं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मेरे को बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है और मैं मोटिवेट हो जाता हूँ ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपके पास हर एक वीडियोस आती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत माँ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।